नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक जगह बताऊं, ये गवर्नमेंट ने बनाई है कैनाल, आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ उसके बारे में थोड़ा डिटेल में। ये गुजरात की गवर्नमेंट ने बनाई हुई नर्मदा कैनाल है, विच इज़ द बेस्ट सुसाइड पॉइंट, जहाँ पे मानो तो वीक में एक और एक बंदा या बंदी का बॉडी तो आती ही है। ये जगह लोकेटेड है अहमदाबाद के नज़दीक में ही है, एग्जैक्ट लोकेशन मैं नहीं बताऊँगा, बट ये वहाँ की जगह है, अहमदाबाद से पास हो रही है जो नर्मदा कैनाल बनी है, तो काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है ये। और यहाँ पे मतलब मानो आपने छलांग लगाई तो गए हिसाब से, इसकी मैं डिटेल थोड़ी बता देता हूँ, सो आपको कुछ प्लानिंग हो तो आपको पता चले। ये देखिए यहाँ पे गेट है, इससे क्या होता है कि आगे पानी जाता है। अभी ये आ रही है जो सरदार सरोवर है, वहाँ से ये वाला रास्ता आ रहा है और आगे जाएगा ये कच्छ साइड, राइट। ये तो वहाँ पानी कितना जाएगा वो डिसाइड करने के लिए ये गेट्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे मोटर्स लगी है, तो इससे वो गेट ओपन क्लोज करते हैं और उस हिसाब से पानी आगे जाता है। अभी थोड़ा पानी की शॉर्टेज चल रही है, आपको पता होगा, तो इससे वजह से यहाँ पे पांच गेट है, वैसे पांच में से एक ही ओपन है, मैं दिखाता हूँ कौन सा ओपन है क्या है इसके, और दोनों साइड का पानी का लेवल भी बताता हूँ आपको कितना है। ये देखिए ये दरवाज़ा है पूरा, और यहाँ पे आपको लेवल दिख रहा होगा, ये एक साइड है और ये दूसरी साइड, ये मेरी जो उंगली में जहाँ पे दिखा रहा हूँ वो दूसरी साइड का पानी का लेवल देखिए कितना है बड़ा, और इस साइड ये पानी आ रहा है। अभी ये गेट क्लोज है, राइट, ये भी गेट क्लोज है, वहाँ पे ब्लू लाइन देख रहे हो, वो ब्लू लाइन ख़त्म होती है वहाँ तक है लेवल, तो मानो गेट क्लोज है। अभी मैं आपको ओपन वाला गेट दिखाता हूँ, सो आपको पता चलेगा कि क्या पोजीशन होती है और कितनी तेज़ी से पानी जाता है। ये देखिए ये गेट ओपन है और यहाँ पे स्थिति देखिए, पानी आगे जा रहा है गेट से, और यहाँ पे देखिए गेट ओपन है इसलिए काफ़ी आगे आ चुका है, और ये गेट क्लोज है तो ब्लू लाइन पूरी दिख रही है, इसकी ब्लू लाइन में आगे जाकर दिखाई तो थोड़ा बहुत है, ये पूरा खुला है और यहाँ से आगे पूरा पानी जाएगा, कोई भी मतलब किसी को भी इतना भी तैरना क्यों नहीं आता हो, यहाँ पे छलांग लगाई तो मानो गया समझो। यहाँ पे फिश भी होती है, ये देखिए ये बड़ी वाली फिश है, काफ़ी स्नेक्स भी आते हैं, काफ़ी होते हैं, और कचरा तो हमेशा होता ही होता है। ये देखिए यहाँ पे ब्लू लाइन नहीं दिख रही, राइट, तो मानो ये दरवाज़ा पूरा ओपन है। अभी मैं थोड़ा नीचे जाके आपको बताता हूँ, ये देखिए एक साइड का लेवल और दूसरी साइड का, अभी सनसेट हो गया है, तो यहाँ फोटोग्राफी भी अच्छी कर सकते हो, लोग आते हैं फोटोग्राफी के लिए, और कपल के लिए भी बेस्ट जगह है यहाँ पे, उनको जगह मिल जाती है बैठने के लिए। कितनी तेज़ी से पानी जा रहा है, आ रहा है, देखिए आगे पानी जा रहा है। ऐसे काफ़ी गेट्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, और उन काफ़ी गेट्स में से वन ऑफ द ये वाला है, यहाँ से आगे कड़ी की कड़ी करण नगर बोलते हैं वहाँ की ओर जाती है, वहाँ से फिर एक जाती है कच्छ और दूसरी जाती है सौराष्ट्र, दो पार्ट होते हैं, पर ये जो है वो मेन कैनाल है
जो आती है सीधी सरदार सरोवर से। ये देखिए गेट क्लोज है, सो पानी की हिलचल इतनी नहीं है और ये पूरा ओपन है। तो यहाँ पे काफ़ी पानी कम है, इस वजह से एक ही गेट खुला है, काफ़ी दो होते हैं। और ये पूरा आप देख सकते हो प्लांट जैसा बना है, ये मोटर्स लगी हुई है जिससे आप गेट ओपन करो। यहाँ का पूरा नज़ारा दिखिए और काफ़ी अच्छा है। तो ये था सुसाइड पॉइंट ऑफ माई गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। थैंक यू वेरी मच।